देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में बदले जा सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बदले जाने की संभावना, गढ़वाल के किसी ब्राह्मण चेहरे को मिल सकती है कमान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बदले जाने की संभावना है और माना यह जा रहा है कि गढ़वाल के किसी ब्राह्मण चेहरे को मिल सकती है जिम्मेदारी। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में बदले जा सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। मदन कौशिक के बदले जाने की संभावना है और उनकी जगह माना जा रहा है कि गढ़वाल के किसी ब्राह्मण चेहरे को मिल सकती है जिम्मेदारी। तो इस खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र ढाका जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है वहां पर। सुरेंद्र, जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है और यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की संभावनाएं हैं, कितनी सच्चाई इसमें है और क्या कुछ संभावनाएं यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है? होगा बड़े ध्यान से, क्योंकि जिस तरह कुमाऊं और गढ़वाल को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है पहले भी, दोनों को जातीय समीकरण में भी साधना है और राजनीतिक समीकरण में भी साधना है। यही वजह है कि जब से पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है, पहले अगर आप देखें त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वो पौड़ी से आते थे, तीरथ सिंह रावत थे वो भी पौड़ी से आते थे, तो बंसीधर भगत कुमाऊं से आते थे तो बंसीधर भगत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब जब ऐसी स्थिति पार्टी के सामने हो गई है कि ठाकुर हैं, राजपूत हैं और कुमाऊं से आते हैं पुष्कर सिंह धामी, तो अब गढ़वाल के किसी ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी को दांव खेलना है, क्योंकि जातीय समीकरण साधना है और गढ़वाल को राजनीतिक रूप से भी साधना है, क्योंकि गढ़वाल को ऐसा कहीं नहीं लगना चाहिए, गढ़वाल के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो कुमाऊं को महत्व दिया जा रहा है वो गढ़वाल को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब किसी ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी दांव लगा सकती है। अब उनके नाम भी चर्चाओं में चल रहे हैं लगातार, संगठन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूछ रहा है, जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति को वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पसंद करते हैं। अब दो बड़े नाम अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, हालांकि एक नाम को राजनीतिक अनुभव उतना नहीं है जितना उनका नाम तेजी से आगे चला है, जी रितु खंडूरी पौड़ी से आती है। रितु खंडूरी विधायक भी है पार्टी की, महिला भी है और ब्राह्मण, बड़ा बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। उनके पिता भुवनचंद खंडूरी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, तो एक बड़ा राजनीतिक बैकअप उनके साथ है। वहीं एक दूसरा और एक बड़ा बैकअप है महेंद्र भट्ट, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी हैं और ब्राह्मण चेहरा है और पहाड़ से आते हैं। तो यदि साधना है तो ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए और पहाड़ का होना चाहिए, तो और गढ़वाल का भी हो, तो ये तीनों समीकरण इन दो नामों पर सटीक बैठ रहे हैं, तो इन नामों पर चर्चा चल रही है। अभी कितना लंबा और ये मामला खींचेगा तो देखने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर गढ़वाल को साधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने शुरू कर दी है और दिल्ली में इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है। हो सकता है जो मुख्यमंत्री अभी दिल्ली से लौटे हैं कल ही, तो हो सकता है इस बारे में उनसे भी इस बारे में विचार विमर्श हुआ हो। मोनिका, बिल्कुल सुरेंद्र, और चुनाव के मुहाने पर खड़ा है उत्तराखंड, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो दल हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं और वो दिख भी रहा है। तो क्या हम इसी भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर रणनीति माने? जी बिल्कुल, देखिए जी, जो जी बिल्कुल मोनिका, इसे राजनीतिक रूप से अगर समझेंगे तो पिछली बार मुख्यमंत्री गढ़वाल से थे और कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष आते थे, अब राजपूत चेहरा है, बहुत बड़ा नाम पुष्कर सिंह धामी नहीं थे लेकिन दो बार से विधायक थे, युवा थे, उन्हें और कुमाऊं को साधना था। कुमाऊं में को साधने की मजबूरी ये भी थी कि सिख बहुल क्षेत्र है कुमाऊं जो उधम सिंह नगर जनपद है, और जिस तरह किसानों की जो राजनीति दिल्ली में, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो एक बड़ा फीडबैक पार्टी को ये भी जा रहा था कि हो सकता है पार्टी को कुमाऊं में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उसी को साधने के लिए कुमाऊं ने शायद पुष्कर सिंह धामी को
खुद उद्धम सिंह नगर से ही आते हैं, खटीमा सीमांत क्षेत्र है, एकदम सीमांत विधानसभा है। तो ऐसे में अब उसे साधने की जो तैयारी केंद्रीय नेतृत्व ने की है, तो उसे देखकर एक बात साफ लगती है कि अब गढ़वाल के किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। और ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की और ब्राह्मण चेहरा यदि पहाड़ से लाएंगे तो जाहिर सी बात है मदन कौशिक को जाना पड़ेगा, मदन कौशिक की जगह ही कोई नया चेहरा आ गया। हालांकि हरिद्वार से आते हैं, मदन कौशिक भी लंबा राजनीतिक अनुभव है और खुद ब्राह्मण चेहरा भी है, लेकिन जिस तरह की मांग गढ़वाल में पिछले दो चार दिनों में देखने को मिली है और जिस तरह की जो केंद्रीय नेतृत्व सुझाव मांग रहा है राजनीतिक लोगों से, अपने नेताओं से, तो हो सकता है कि रितु खंडूरी और महेंद्र भट्ट पर बड़ा दांव पार्टी खेल दे और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए, ताकि जो चुनावी वैतरणी है उसे, जो एक गठबंधन ब्राह्मण और ठाकुर का जो एक गठबंधन है उसे लेकर राजनीतिक समीकरण साधकर चुनाव में जाया जाए। मोनिक बिल्कुल सुरेंद्र, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जो राजनीति है उसमें कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? देखिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह गढ़वाल जब से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कुमाऊं में जोश है, गढ़वाल के युवाओं में भी जोश है, जो पुराने राजनीति और रणनीतिकार हैं वो ये मान रहे हैं कि इससे नुकसान पार्टी को हो सकता है यदि गढ़वाल को और गढ़वाल के भी पहाड़ी इलाके को नहीं साधा गया तो उसी क्रम में पार्टी एक बड़ा कदम आगे लेके चल रही है। अब ये कदम कितना कारगर साबित होगा ये तो अभी दूरगामी बात है कि अभी इसके बारे में इतनी जल्दी बात कहना कोई भी जल्दबाजी हो जाएगी, ये तो जब चुनाव होंगे और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके जो केंद्रीय नेतृत्व ने और जिस तरह गढ़वाल के नेतृत्व है उसका कितना असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। मोनिका चलिए शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर फिर से सभी शिव भक्तों से घर पर ही जलाभिषेक करने की अपील की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालुओं से। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य की जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसी वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा किसी सरकार से कोई मतभेद नहीं है और कोविड के चलते कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। वहीं प्रदेश में सड़क और रेल योजना के कामों को लेकर सीएम ने कहा कि कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 घंटे का हो जाएगा, इसके लिए आशा रोड़ी से दिल्ली हाईवे पर जल्द काम शुरू होगा जिससे दूरी काफी कम हो जाएगी। बहुत सारे मत आ रहे थे कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि कांवड़ यात्रा में हम क्या है कि केवल एक होस्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है यात्रा चलती है, लोग आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, रास्ते में आते हैं, हरियाणा के लोग आते हैं जाते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं जाते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, मध्य प्रदेश के भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये आसपास का क्षेत्र है, यहाँ आके सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि 15 दिनों के अंदर 3 करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सोचा विचारा, कई आधिकारिक लेवल की बात हुई, हमने कहा भाई हम भी भोले के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी आस्था और श्रद्धा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हम जान माल से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो वहीं उत्तराखंड में आज से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने यमुना कॉलोनी भूड़ गांव की सुशीला को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट देकर योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से लॉन्च की गई ये योजना और इस योजना का लाभ 50,000 महिलाओं को सीधा मिलेगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 1 महीने के भीतर सभी 6,000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। उत्तराखंड में महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया। सीधा 50,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
माँ के लिए सैनिटरी पैड भी है, माँ के लिए बेडशीट भी है और माँ के लिए शॉल भी है, सॉक्स भी है, तो उनकी आवश्यकताओं से जुड़ी चीज़ें रखी गई है। साथ साथ में बच्ची के लिए भी जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे उसका डायपर है, उसका लंगोट है, या उसकी रबर शीट है, या उसका तेल, साबुन, शैम्पू इत्यादि सब सामग्री उसमें रखी गई है। तो एक ये कोशिश है सरकार की तरफ से, विभाग की ओर से माँ और बच्ची के लिए कि आपने बेटी को पैदा करके बेटी को पैदा ही नहीं किया बल्कि एक लक्ष्मी को पैदा किया है, तो वो खुशी प्रकट जो है वो सरकार कर रही है, उपहार स्वरूप महालक्ष्मी किट दे रही है। तो मैं आज माँ और बेटी को ये किट जो है हम लोग समर्पित करने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये किट समर्पित होने जा रहा है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की परिवहन निगम के कर्मचारियों को सौगात मिली है, ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए 34 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, ये बड़ी और अहम खबर। परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए 34 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है, परिवहन निगम की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की परिवहन निगम के कर्मचारियों को सौगात दी गई और ये ट्वीट आप देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 34 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है, उनकी समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी जनता को साधने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है, उन्होंने पर्यावरणविद दिवंगत सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग की है। केजरीवाल ने पीएम को पत्र में लिखकर कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा का जीवन देश और पर्यावरण को समर्पित रहा है, ऐसे में उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की प्रतिमा लगाई गई थी, उस समय भी केजरीवाल ने स्वर्गीय बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।